Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. यूपी में चुनाव सिर पर है और कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी। जनमानस की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने भरी सर्दी में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है। शादी विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में भाग लेने वालों की संख्या 200 तक सीमित कर दी गई है, यानी अब इसके लिए प्रशासन से परमिशन लेने की बाध्यता अनिवार्य होगी। यह बाध्यता सिर्फ विवाह शादी समारोह पर लागू है, सत्ताधारी चुनावी सभा या चुनावी यात्राओं पर नहीं। कुछ इस तरह जैसे कोरोना सिर्फ रात में ही खाली सड़कों पर निकलता है और शादी विवाह समारोह में ही लोगों को अपना शिकार बनाता है। बीती रात से पुलिस ने सड़क पर उतरकर लोगों को ठिठुरती सर्दी में गर्मी का एहसास कराते हुए यह भी समझा दिया कि प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। माइक से घोषणा करते हुए मार्केट भी बंद करा दिए गए, रात्रि फिल्मी शो भी के भी शटर गिरा दिए गए। दुकानदारों से कहा गया है कि मास्क के बिना वे किसी को भी सामान ना दें। देश में ओमिक्रॉन के केस 415 से ज्यादा हो गए हैं। एक दिन में 16% का इजाफा देखने में आया है। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। हाई कोर्ट का पीएम मोदी व चुनाव आयोग से विधानसभा चुनाव फिलहाल टालने का आग्रह नए संकेत दे रहा है। इस माहौल में भाजपा तो चुनावी मोड में आ ही चुकी है, लेकिन सपा रालोद की रैलियों ने भी सत्ताधारी पार्टी की पेशानी पर बल डालने का काम कर दिया है। कांग्रेस भी दौड़ में शामिल होने के लिए हाथ पांव मार रही है। अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव कोरोना की चपेट में आ गई हैं, बावजूद इसके सभाओं का दौर जारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि कोविड गाइडलाइन क्या सिर्फ आम लोगों व दुकानदारों के लिए ही है बस, राजनीतिक पार्टियों के लिए नहीं? विवाह समारोह में सिर्फ 200 लोग आएंगे, वह भी परमिशन लेकर, और चुनावी सभाओं में भीड़ कोविड को मार भगाएगी। यह वह सवाल है जो दूसरी लहर के दौरान हुए पंचायती चुनाव के दौरान भी खूब हुआ और अब भी हो रहा है। रात्रि कर्फ्यू का पालन कराने सड़क पर उतरे मेरठ के एसपी सिटी विनीत भटनागर ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। देखिए, जैसा कि आपने देखा, रात्रि 11 बजे से बताया गया है कि सवेरे 5 बजे तक जो है रात्रि कर्फ्यू का है। अभी जनता को पूरी इसके बारे में जानकारी दी। हमारा उद्देश्य है कि हम जनता को इस कर्फ्यू का पालन करने के लिए प्रेरित करें, उनको एहसास दिलाएं कि उनके लिए ये बेहतर है कि वो जो है इस प्रकार से रात्रि 11 बजे से सवेरे 5 तक इस कर्फ्यू का पालन करें। इसी उद्देश्य से आज कई बैरियर पॉइंट पर शहर में फोर्स को लगाया गया है और अभी लगातार अगले आदेश तक जो है ये जारी रहेगा। रात्रि 11 से सवेरे 5 बजे तक पूरी तरीके से कर्फ्यू लागू हो रहा है, कोरोना कर्फ्यू। इसमें किन किन व्यक्ति को छूट है जैसे कि लोगों ने पूछा, तो वो अभी कल तक इसका हम प्रचार प्रसार कर देंगे और मीडिया के और अखबारों के माध्यम से चीज़ों की जानकारी। मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे बैरियर्स प्रभावी हो जाएँ, हमारा फोर्स दोबारा से उसकी सील में आ जाए, और साथ ही साथ जो हमारी मोबाइल वाहन है, हमारे फैंटम्स है, और हमारे जगह जगह जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए और हतोत्साहित किया जाए कि रात्रि 11 बजे के बाद जो है अपने स्वास्थ्य का सुरक्षा का ध्यान रखें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। और हाँ, कोरोना की तीसरी लहर ने अपनी आहट दे दी है, ऐसे में और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। भीड़ वाली जगहों से परहेज करें, मास्क का लगातार इस्तेमाल करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।